हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिप्लोमा अपडेट पर। आज जो न्यू वैकेंसी की रिक्वायरमेंट निकली हुई है वो है भारत पेट्रोलियम की तरफ से, जिसमें आपका डिप्लोमा और बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल डिप्लोमा अपडेट को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ दोस्तों, लाइक शेयर करना ना भूलें। और आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल डिप्लोमा अपडेट, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप लोग वहां से ज्वाइन हो जाए, जिससे कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है या कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप उस पर मैसेज करके हमसे बात कर सकते हैं या हमारे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, उससे पहले लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसा कि मैं आपको बताया, भारत पेट्रोलियम, देखिए ये भारत पेट्रोलियम कंपनी है, इसमें एक रिक्वायरमेंट निकली हुई है तो बहुत ही अच्छा है। ये पेट्रोलियम की कंपनी है और मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ही मैं कैरियर पे क्लिक करता हूँ, देखिए ये पेज ओपन हो जाएगा भारत पेट्रोलियम की तरफ से। और उसके बाद कैरियर पे होती इनके नीचे देखिए अप्रेंटिसशिप की दिया रहेगा, जो कि मैं आपको लेके चलता हूँ वहाँ पर। करेंट ओपनिंग पे आए हमने, और उसके बाद फिर ये देखिए यहाँ पे लिखा है व्यू फॉर अप्रेंटिसशिप, देखिए इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप के लिए है। तो अब मैं आपको चलिए अब PDF दिखाता हूँ। तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, मुंबई में, तो ये जो लोकेशन है जॉब की वो है मुंबई में। अगर आप मुंबई में जॉब करना चाह रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। तो मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि क्या करना है, कैसे करना है अप्लाई और क्या क्या चीज़ लगेगा। देखिए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि ये ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, और उसके बाद ग्रेजुएट जिन्होंने भी BTech किया है उसके, या फिर जिन्होंने डिप्लोमा किया है वो भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें देखिए बता रहे हैं 1 ईयर अप्रेंटिसशिप है, ठीक है, 1 साल के लिए रहेगा। अब बात कर लेते हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप की, तो जिन्होंने भी केमिकल से किया है तो उनके लिए यहाँ पे 11 पोस्ट है। केमिकल से जिन्होंने BTech या BE किया है उनके लिए 11 पोस्ट है। सिविल वालों के लिए 8 पोस्ट है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए ग्रेजुएट अप्रेंटिस, अभी मैं BTech वालों के लिए बात कर रहा हूँ, जिन्होंने इलेक्ट्रिकल से किया है उनके लिए 5 पोस्ट है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस वालों के लिए 3 पोस्ट है। इंजीनियरिंग वालों के लिए 2 पोस्ट है। मैकेनिकल वालों के लिए 13 पोस्ट है। तो टोटल ऑफ पोस्ट की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पे 42 है। आपको मंथली 25,000 रुपये मिलेगा, ड्यूरेशन आपकी 1 साल रहेगी, लोकेशन आपकी ट्रेनिंग की BPCL मुंबई, ठीक है, माहौल मुंबई में आपको मिलेगी ये वैकेंसी। तो अगर आप इसे अप्लाई करते तो फिर आप मुंबई में आपको ये जॉब मिलेगी। और भी इसके आगे आप देखिए, मैं बात कर लेता हूँ डिप्लोमा वालों के लिए, तो जिन्होंने भी डिप्लोमा किया, देखिए यहाँ पर लिखा है टेक्निकल अप्रेंटिसशिप, तो टेक्निकल वाले मतलब डिप्लोमा ही वालों को कहा जाता है। उनके लिए देखिए केमिकल में पूरी 5 पोस्ट है, सिविल में 7 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 8 पोस्ट है, और मैकेनिकल वालों के लिए 17 है, इंफॉर्मेशन वालों के लिए 8 है। टोटल ऑफ पोस्ट की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ 45 पोस्ट है। मंथली स्पेंड ये हमको 18,000 रुपये महीना देंगी, और 1 साल का ड्यूरेशन रहेगा आपका। लोकेशन वही जो BTech वालों के लिए थी, BPCL मुंबई, ठीक है, माहौल में है और मुंबई। अब आगे हम लोग बात करते हैं इसे अप्लाई कैसे करना है, इसमें मतलब मांगा क्या क्या गया है, क्या क्या चीज़ करनी है। तो अगर हम लोग एजुकेशन की बात कर ले तो या आपके पास BTech या डिप्लोमा की डिग्री होना कंपलसरी है, और आप जो है जो जिन्होंने भी BTech किया उनका जो CGPA है वो 6.3 से ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, उससे नीचे रहेगा तो आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और डिप्लोमा वाले की बात कर ले तो जिनका भी 60% के ऊपर है, ठीक है, फुल टाइम इंजीनियरिंग मांगा है, मतलब 3 साल का आपका कोर्स होना चाहिए, प्लस आप क्या कहते हैं 60% के अगर ऊपर लाए हैं तो ही आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी बहुत ही अच्छी है, मैं तो कहता हूँ जितने हैं आप सभी लोग सब अप्लाई करें, और इसको अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करेंगे, ठीक है, अपने जो भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया होगा या फिर इंस्टाग्राम पे या फिर जहाँ पे भी ग्रुप बनाए आप उसे वहाँ शेयर कर ले। अब बात हम लोग कहते हैं एज लिमिट की, तो आप जो है 18 से 27 साल के अंदर जो है उसे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1994 से लेकर 2003 तक है वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डेट ऑफ बर्थ तो ज़्यादा इशू नहीं करता है, तो आप सभी लोग इसको ध्यान दे के ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें। अगर आपको वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम समझ में आ रही तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग की बात कर लें हम लोग, तो आपका 1 साल का अप्रेंटिसशिप रहेगा, ठीक है, 1 साल में ये आपको देंगे।
ठीक है, अगर देखिए इन्होंने बताया प्रीवियस ट्रेनिंग एक्सपीरियंस कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अंडरगोन और आर करंटली अंडरगोइंग अप्रेंटिसशिप। अगर कोई पहले से एक साल का अप्रेंटिसशिप कर चुका है या कर रहा है, ठीक है दोस्तों, वो इसे अप्लाई नहीं कर सकता है। और सिलेक्शन की बात कर ले तो ये आपका परसेंटेज के बेस पे होगा कि आपने पूरे टोटल 3 साल में कितने बनाए हैं या बीटेक वाले कितने बनाए हैं, मतलब नंबर के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। और उसके बाद आपका क्वालिफाई एग्ज़ाम भी होगा, उसके बाद आपका जो इंटरव्यू है वो भी होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम लोग रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप सभी लोग सभी के सभी डिप्लोमा अपडेट में जरूर ज्वाइन हो, जिससे कि आपको डेली न्यू अपडेट मिले। अब देखिए ये पूरा प्रोसेस बताया है, आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट इनरोलमेंट होगा, फिर आपको लॉगिन करना है, फिर कहाँ से क्या करना है। देखिए पहले आपको ये साइट पर जाना है, ग्रेजुएट और डिप्लोमा, ये सब आप समझ लीजिएगा, जब अप्लाई करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको देखिए इसके आके अब बात कर लेते हैं डेट की। तो ऑनलाइन जो इसका निकाला गया है एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट है वो है 9 तारीख को, और लास्ट डेट आपको जो है 21 तारीख को है। ठीक है, 21 तारीख को इनरोलमेंट की लास्ट डेट है इनरोलिंग की, और लास्ट डेट सबमिटेड मतलब फॉर्म फिल करने की डेट 24 तारीख है। तो आप सभी लोग 20 से पहले ही अप्लाई कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है या मतलब आपको कुछ भी पता करना हो या पूछना हो, तो यहाँ पे कुछ कॉन्टेक्ट नंबर और जीमेल आईडी दी गई है, आप डायरेक्टली वहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं, जिससे आपकी प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया है चीफ मैनेजर, ठीक है, और मैं बस ये आज पूरी यही इतनी नोटिफिकेशन आई हुई थी। यहाँ पे देखिए चीफ मैनेजर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुंबई मॉल, यहाँ पे नीचे आपको जीमेल आईडी दिए हैं और नंबर दिए हैं। ठीक, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती तो आप यहाँ पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, और सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ज्वाइन हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।